और आप यहाँ से भोजन करने जा रहे हैं, घंटे नहीं दे सकते आप, समय नहीं दे सकते। यहाँ पर कुछ भाई कह रहे होंगे किसके हाथों में माइक दे दिया जी, भाई नहीं रहा हूँ, अंदर से आवाज आ रहा है रोने की, ये क्या हो रहा है समाज पर, वो भी एक गाँव में ऐसा प्रोग्राम है और फिर भी। तो इस बात को खत्म करते हुए सर्वप्रथम तो यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े छोटे भाइयों का और आदरणीय बुजुर्गों का अभिवादन करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ पर पधारे। और मेरे बहुत प्रसन्नता हुई कि देख करके शुरुआत में तो बहुत अच्छे यहाँ पर संख्या में युवा जो थे मौजूद थे, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत आभार, आप यहाँ पर पधारे। मैं अपने बारे में थोड़ा परिचय दे दूँ, मेरा नाम कवि सूरज प्रताप सिंह रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष मेरा अपना, मैं कुंडी हूँ और गांव मेरा जन्म भूमि रनवाड़ा और कर्म भूमि शानपुर है, रहता मैं शानपुर में हूँ। कुछ भाई मुझे यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से भी जानते होंगे और कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं, तो जितने भाई यहाँ पर पधारे उनका सबका बहुत बहुत आभार और साधु व्यक्त करता हूँ। तो मैं आज अपने विचार कुछ व्यक्त करना चाहता हूँ, इतिहास अपने गौरवशाली इतिहास संस्कार और इतिहास पूर्वजों को लेकर महापूर्वजों को लेकर कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ और आशा भी करूंगा कि यहाँ बैठे अगर 10 भाई भी उन्हें अपने मन के अंदर जागृत कर ले तो संभवतः क्षत्रिय इतिहास और संरक्षण संस्कार अपने आने वाले पीढ़ी को चरित्रवान बनाने में सफल होंगे, अन्यथा वही रोता भविष्य जो आप देख रहे हैं वही होगा, क्षत्रिय पतनी की ओर अग्रसर है और वही रहेगा, आपका जीवन सूत्र वाला हो जाएगा चाहे भले ही आप अपने आप को राजपूत मानते रहे। तो सर्वप्रथम मैं बात करूंगा संस्कार की, उसमें भी बात करूंगा क्षत्रिय संस्कार की, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कार माने हमारे यहाँ पर माने गए हैं। आजकल देखता हूँ कि संस्कारों का जो सबसे मुख्य कारण क्षत्रिय का पतन होने का, दुष्यंत चाचा जी जो क्षत्रिय का सबसे पतन होने का जो सबसे मुख्य कारण रहा है वो रहा है संस्कार। आजकल संस्कार नाम की हमारे अंदर चीज नहीं है, संस्कार वो नहीं कि किसी के पैर छू लिया, संस्कार संस्कार वो है अगर आप किसी के अपने चाचा जी के अपना ताऊ जी के पैर छू रहे हैं तो किस आदर भाव के साथ छू रहे हैं, या कि अध्यक्ष ऐसे है जो नीचे रख देते हैं पैर छूते हैं। बहुत है हमारे ग्रुप में भी बहुत लड़के हैं और मैं गांव में भी अधिकतर लोगों को जानता हूँ, नाम नहीं यहाँ पे उजागर करूंगा। तो ये संस्कार नहीं है, संस्कार हमारे वो है जो द्रुम में थे, संस्कार वो है जो प्रहलाद में थे, संस्कार वो है जो श्री राम में थे, संस्कार वो है जो लक्ष्मण जी में थे, संस्कार वो है जो महाराणा प्रताप में थे, संस्कार वो है जो पृथ्वीराज चौहान जी में थे जिसके बल पर वो चरित्रवान बने, संस्कार वो है जो महाराज शिविर में थे जिसके बल पर वो चरित्रवान बने और उन्होंने इंद्रदेव के मांगने पर अपने अंगों तक को दान कर दिया, वो क्षत्रिय थे। क्या आप क्षत्रिय हैं? क्षत्रिय हैं आप हैं? एक आवाज है बस, मुझे एक ही है क्षत्रिय यहाँ पे, नहीं सारे तो है तो आवाज क्यों नहीं आ रही? ये तो चाचा जी पता क्या है, मैं बोलने का तरीका अलग है, लेकिन मैं आपकी उपस्थिति देखना चाह रहा, प्रेजेंट देखना चाह रहा हूँ, आप हैं? किसी की आवाज ही नहीं आ रही है? चलो फिर तो बहुत खुशी की बात है, पतन होने से बचा लेंगे आप लोग क्षत्रियों का। ये भी नहीं बोल ले, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बुजुर्ग आजकल हमारे आगे नहीं आ रहे, बुजुर्ग लंडैर में ले मामला लंडैर है वो है, लेकिन जो भी प्रधान जी और अध्यक्ष जी हैं उनसे मैं नम्र निवेदन करूंगा कि युवा को आने वाले उसमें गांव के जितने भी हुआ है मार्गदर्शन किया जाना चाहिए और जितने भी हमारे यहाँ संस्कार शिविर के प्रोग्राम और आगे युद्ध कलाएं जितने भी है वो मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ और सभी भाइयों का भी मुझे आपका पूरा का पूरा वो प्रोत्साहन और वो चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए और मैं आपका आगे मार्गदर्शन भी करने के लिए पूरा प्रयत्न करूंगा। और सभी भाइयों से एक बात और कहना चाहूंगा कि सभी भाई आजकल मैं देख रहा हूँ गाँव में भी 2.5 साल के बच्चे गंदी गालियां देते फिर गलियों में, तो ये क्षत्रियों के संस्कार नहीं है मेरे भाई, क्षत्रियों के संस्कार तो वो थे जो महाराज रूप में थे, जो मैंने आपको भी बताया जो बालक प्रहलाद में थे, जो लव कुश में थे, वो क्षत्रियों के संस्कार है। अब बात आ जाए संस्कार की, इसके जो संस्कार का जो पतन हो रहा हमारे यहाँ पे, अध्यक्ष जी कहाँ गए हमारे, अध्यक्ष जी गायब हैं, चलो तो जो क्षत्रियों का संस्कार आज हमारे यहाँ पर हो रहा है उसके एकाएक जिम्मेदार क्षत्रिय माता पिता है। अब जो यहाँ पर किसी बच्चे का बाप होगा वो अपने आप ऊपर ले लियो ना ले लियो, लेकिन बड़े बुजुर्ग से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा, उन्हें भी बताना चाहूंगा कि जितने भी आजकल हमारे यहाँ पे अगर किसी भी तरह का पतन हो रहा है तो सबसे पहले संस्कार तो होता है और संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को नहीं दे पा रहे हैं, युवा पीढ़ी है हमारी शराब और कुक्रमों में जारी है और आने वाली पीढ़ी भी उससे ही सीख रही है। मैंने अभी कल ही सुना कल 2.5 साल का बच्चा कल गाली दे रहा, बुंदी बुंदी खड़े हो गंदी गंदी गाली दे रहा, वो क्षत्रियों का बच्चा है, ये सब सही नहीं है। आप क्षत्रिय होकर सूत्र वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिसके लिए आपको आने वाली पीढ़ी आपकी खान में जब भुगतेंगी, तो भाई
इस चीज पर ध्यान दो, हमारी जितनी क्षत्रिय माताएं बहने हैं वो इस चीज पर ध्यान दे, अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे, उन्हें चरित्रवान बनाए, क्योंकि जिसका चरित्र अच्छा होगा वो ही चोरने का काम करेगा ना कि तोड़ने का। और फिर किसी भी आगे किसी भी क्षेत्र में चले जाए, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, विज्ञान क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में वो चला जाए तो उसका अलग ही प्रभाव वो अपना पड़ सकेगा। जब ही लोग कहेंगे हाँ ये क्षत्रिय का भूत है, क्षत्रिय भूत है, ये राजभूत है, तो आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि आप आने वाली पीढ़ी, मैंने अपने आने वाली पीढ़ी अपने भतीजों की अपने बेटे की जिम्मेदारी ली, अगर आप भी लेने में सक्षम है तो, अगर आप चाहते हैं कि आज दोबारा राजपूताना कायम हो सके तो आप भी क्या बोले आप जिम्मेदारी लें। यहाँ पर बैठे जितने बड़े बुजुर्ग हैं आपसे भी मैं आग्रह करूंगा और विनती भी करूंगा, अगर आप अपने समाज को बचाना चाहते हैं तो जिम्मेदारी लें, बच्चों का संस्कार बनाए, उन्हें संस्कारहीन मत बनाए, जितना लालन पोषण आप उन्हें खाने पीने में करते हैं उतनी संस्कार उनके अंदर डालें, ताकि वो भी क्या बोले आगे चलकर देश का भविष्य बदल सके और राजपूत समाज से उठाकर दोबारा कर सके। इस बात को कहते हुए मुझे एक दुआ याद आ गया जो राजस्थानी दुआ है कि राजपूत माता पालने में अपने बच्चे से क्या कहती है कि उस समय क्या रहा होगा, देखे जब युद्ध भूमि में गर्भवती महिलाएं घर महलों में रहती थी और उन्हें जोहर करना पड़ता कि वो जब उनके यहाँ पे कोई संतान उत्पन्न होती थी और उनके पिताजी युद्ध भूमि में होते थे तो वो समय क्या रहा होगा। कहती है राजपूत माता कि इलाम देनी आपनी रण खेता भिड़ जाए और पूत सिखावे पालने मरण बसाई माए। कि क्या कहती है राजपूत माता अपने जो शिशु उनका पालने में है उसे कहती है कि बेटा तू रण भूमि में पीछे मत ना, शत्रु से भिड़ जाना लेकिन अपनी एक इंच भी धरती शत्रु को मत देना। तो ये संस्कार हमारे यहाँ पे थे, ये संस्कार हमारे यहाँ पे नहीं है कि आप बिग बॉस टीवी पे देख रहे हैं, ये संस्कार बच्चों को कार्टून दिखाए जा रहे हैं। आज भी अगर मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों के कह गए सुना देते हैं कुत्ता आ रहा है, अरे जिस क्षत्रियों ने 12 वर्ष की आयु में शेरों के जबड़े पार दिए आप उसे ये कह गए सुला रहे कि कुत्ता आ गया है वो आगे जाकर आपको लगता है आना पड़ता है जरा चौड़ बन पाएगा, कतई नहीं बन पाएगा। तो सही भाई तो बिना मन निवेदन है अपने आने वाली संतान अपने गांव के जितने भी छोटे बच्चे हैं उन्हें चरित्रवान बनाए, इनके लिए कार्यक्रम रखें जो भी करें उन्हें चरित्रवान बनाए और जब भी उत्थान संभव है शिक्षा के साथ साथ संस्कार, अगर आप संस्कार नहीं है संस्कारहीन है तो आपका जीवन पुरुषों के समान है। और दूसरी बात मैं अपने विचार जो दूसरे हैं वो मैं इतिहास और अपने पूर्वजों के ऊपर बताना चाहूंगा कि आजकल देखा जा रहा है कि इतिहास जो भाई जी ने बताया कि चुराया जा रहा है जो भी बात है, लेकिन इतिहास चोरी कब होती है हमारे घर में, चोरी कब होती है जब हम अपना दरवाजा खुला छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते। अब हमने ही अपना इतिहास पढ़ा तो इस वजह से लोग कह रहे हैं कि अब चुराया जा रहा है वो हो रहा है, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आप इतिहास अपना पढ़े उस पर गौरवशाली है, आप वो घमंड अपना घमंड करें इतिहास पे। और सभी भाइयों से विनम्र निवेदन एक बार करना चाहूंगा कि पूर्वजों का स्मरण अति आवश्यक है अपने जीवन में, क्योंकि इस समय आपको पूर्वजों का स्मरण करके कहीं युद्ध के लिए नहीं जाना। लेकिन मेरा मानना है जो आम आदमी का जीवन है, जो कृषि का जीवन है, जो आप ये किसान खेती खेत में खेती करते हैं वो जीवन है, वो संघर्षों का जीवन है और संघर्ष किसी युद्ध से कम नहीं मेरे भाई। तो इसलिए महापुरुषों का स्मरण करो, उनको मारना पड़ता पर पृथ्वीराज चौहान को याद करो। अभी एक भाई ने जो हमारे से पहले भाई उन्होंने कहा कि जय राजपूताना के नारे और महाराणा प्रताप के नारे फेसबुक और व्हाट्सएप पर लगाने से कुछ नहीं होने का, उन्हें पहले अपने उनके चरित्र को अपने अंदर उजागर करना होगा, उनके जैसा बनने समय में आप पुराने युग में हो गई वो गलती अब हमें आगे नहीं दोहरानी है। उस चीज को पढ़कर आप इतिहास पढ़े, उस चीज पर आप अमल करें, जब जाके हम क्या बोल रहे हैं उत्थान की ओर होंगे, अन्यथा आप शिक्षा भी ग्रहण कर ले, शिक्षा में आप देख रहे हैं कितना बड़ा वर्चस्व हमारा है, जो शिक्षा में है वो आरक्षण की वजह से कहीं दिख नहीं रहे, आप देख रहे हैं कितने लोग आर्मी की भर्ती और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा में उत्थान की बाद में बात करो, पहले आप अपने संस्कार जो मिलते हैं वो माँ बाप से मिलते हैं, और माँ बाप का जितने भी यहाँ भाई अपने बाप और जितने भी बैठे हैं अपने बेटों का जाके अपना ज्ञान दें, उन्हें चरित्रवान बने, उन्हें बताएं कि किस तरह पृथ्वी सिंह ने 12 साल की आयु में सिंह के जबड़े पार दिए, वो लंकुश बताएं, उनको मारना पड़ता की कहानियां सुनाएं, जब जाके संभव होगा मेरे भाई, अन्यथा हम तो पतन की ओर है, हम किन के संतान हम ये भूल ही गए विजय जी चाचा जी, हम किन के संतान हम ये भूल ही गए, हम आपसी द्वेष में इतना खो गए एक दूसरे के काम की चाहिए, हम ये भूल ही गए कि हम संतान किसकी है। मैं वही दोबारा बात रिपीट करूंगा, सुधरों वाला जीवन जिए बापा जी, सुधरों वाला जीवन जो कभी क्षत्रिय जीवन जीते थे वो जीवन व्यापन नहीं कर रहे हम,
दूसरी बात, हम किन की संतान है? महाराज श्री राम की संतान है, पुंडी लव कुश अतिथि नभ, उनके बाद आगे जाके महाराज पुंडी को, हम उनकी संतान है। श्री राम का लव आज भी हमारे रक्त कणों में हमारा वही प्रवाहित हो रहा है, हम उनकी संतान है। पृथ्वीराज चौहान की संतान है, सम्राट मीरबोध जैसे की संतान है, हम उस अजयपाल चौहान की संतान है जिसका सिर कटने के बाद भी वो लड़ता रहा और 600 किलोमीटर दूर अंजार में जिसका धर शांत हुआ जाके और सिर पड़ा है उनका अंजार में, उनकी संतान हमें। हम उस धीर सिंह पुंडीर की संतान है जो सिर करने के बाद भी 200 पठानों को मारकर मरा, उस धीर सिंह की पुंडीर की संतान है। लेकिन यहाँ पर धीर सिंह पुंडीर का नाम ही नहीं कोई जानता, हम उस धीर सिंह पुंडीर की संतान है। हम उस महाराणा प्रताप की संतान है जिन्होंने घास की रोटी खा ली, 56 भोग खाने वाले घास की रोटी खा गए लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया कि आने वाली पीढ़ी कई गद्दार न साबित कर दे, उनकी संतान हमें। तो ऐसे ऐसे जब योद्धा हमारे यहाँ पर हुए, हमारी कुलदेवियां मैं देख रहा हूँ कि कुलदेवियों की और किसी का नाम नहीं, अभी मैं किसी भाई से पूछ रहा हूँ कुलदेवी को, 2-3 भाई से अधिक यहाँ पर हमारी कुलदेवी माता का नाम नहीं बता पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो कल्पना रही होगी कि सिर कटने के बाद भी कोई लड़ता है, बाबा जी सिर कटने के बाद भी कोई लड़ जाता है, तो इतिहासकारों का मत है, एक हमारे देवी सिंह महाराज राजस्थान से है, उनका मत है कि जो महाभारत काल में नहीं हुआ, जो रामायण काल में नहीं हुआ, राजपूत काल में राजपूतों ने वो करके दिखाया, माथा कटने के बाद लड़के दिखाया। तो ये हमारी संस्कृति रही है, कुलदेवी माँ हमारे पैसे विराजमान नहीं रहती थी, हम उनकी उपासना भक्ति और साधना जब करते थे तो राजपूतों का कुलदेवी माँ उन्हें आशीर्वाद देती थी, उनके साथ युद्ध भूमि में चलती थी कि सिर कटने के बाद आपको लगता है सिर कटने के बाद कोई लड़ेगा, लेकिन सिर कटने के बाद जो एक परम शक्ति लड़ती थी क्षत्रियों के साथ, वो परम शक्ति लड़ती थी, वो हमारी कुलदेवी और कुलदेवता होते थे, लेकिन कुलदेवियों का कहीं कुलदेवता का ठीक रहे। तो इसलिए आप कुलदेवी और कुलदेवता को उनकी साधना करो, उपासना करो, क्षत्रिय बनो, क्षत्रिय की ओर चलो, तब तक ये पशु वाला जीवन जीत रहोगे कि ये चल दिया हो गुस्सा काली दे दी और इसकी टांग खींच जाए यहाँ पर कर दी बैठ के, ये जीवन हमारा व्यापन करने का नहीं था। आप जो जीवन जी रहे हैं वो आप क्षत्रिय है तो आप क्षत्रिय वाला जीवन जियो, ताकि दूसरे को भी लगे हाँ भाई ये क्षत्रिय है ये राजपूत है। आज राजपूत की परिभाषा हमने बदल दी है, दारू पी का कोई कहीं पे पड़ा है तो हम क्या बोले, छोटे युवा जो युवा आजकल नई पीढ़ी को शिक्षा तो क्या देंगे और कुकर्मों में जा रहे हैं, जारी की तरफ जा रहे हैं। मैं खुला बोलूंगा इस मन से, चाहे किसी को भाई को बुरी लग जाए, क्योंकि मुझे किसी से कोई वो नहीं है कि अब मुझे कहीं वो करना, मैं तो अपना खाया जो मैं कमाऊंगा वो खाऊंगा, इसलिए मैं सीधा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में है द्वेष भावना भी है और मेरे मन में जो कहते हैं एक बहुत बड़ा दर्द है कि आजकल हमारी पीढ़ी कहाँ जा रही है। तो भाई अगर आपको जगाने का झंझोड़ने का गाली देने का ही, अगर आप गाली देने से सुधरेंगे मैं गाली भी दूंगा, अगर आप गाली देने से सुधरेंगे नहीं पूछ पाएंगे मैं गाली भी दूंगा। अब यहाँ कुछ भाई मन में सोच रहे होंगे अरे क्या क्या बोल रहा है, सोच रहे होंगे भाई, लेकिन भाई ये सच्चाई है। जब आप महापुरुषों का जीवन परिचय पढ़ोगे ना, जब आप देखोगे कि 16,000 राजपुतानियों के साथ 16,000 माताओं के साथ हमारी माता पद्मावती ने जोहर कर लिया, तो आपको लगा कि हम कहाँ हैं नरक में। वो हाड़ी रानी जब आप पढ़ोगे कि जिसके चूंडावत ने पति ने निशानी मांगी युद्ध में जाते हुए और उसने अपना शीश काटकर थाली में दान कर दिया, तो जब आप पढ़ोगे क्या बोले कि हम क्षत्रिय थे और हम कहाँ आ गए। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, आपके घर में जितनी माताएं और बहनें हैं उसकी भी जिम्मेदारी आपकी है, आप उन्हें सिखाएं, उन्हें भाड़ी रानी और जिया रानी मोला देवी और इनका पद्मिनी माता का इतिहास बताएं, जब जाकर कुछ संभव होगा। अतः आप ऐसे ही घूमते रहे एक दूसरे को करते हैं, इससे कुछ उत्थान की ओर हम नहीं बढ़ेंगे। पहले संस्कार, इतिहास और पूर्वजों का स्मरण अति आवश्यक है, क्योंकि मैं पूर्वजों का स्मरण इसलिए भी करता हूँ, आप सबको बता दें पूर्वजों का स्मरण हमें साहस देता है, एक पॉजिटिव वाइब देता है हमें कि पूर्वजों का साहस की राणा सांगा जिसके 80 घाव हो गए, एक हाथ नहीं एक आंख नहीं और फिर भी युद्ध भूमि में वो लड़ते हुए क्या बोले चले गए, 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और विजय प्राप्त हुए। तो वो राणा सांगा जब मेरे चोट ले जाती तो मैं राणा सांगा को याद करता हूँ कि जब उन्होंने 80 घावों को झेल लिया तो ये घाव क्या है मेरे लिए। वो महाराणा प्रताप, वो पृथ्वीराज चौहान, वो कल्याजी राठौर जो सिर कटने के बाद भी मीलों तक लड़ते चले गए और इतना उनके अंदर कुलदेवी प्रभावित हो गई, इतना वो लड़ते हुए चले गए कि जो उनके सामने अपने सैनिक आ रहे थे उन्हें भी मारने लग गए। तो इस तरह का क्या बोले हमारे यहाँ पे वो इतिहास हमारा रहा है, इतना गौरवशाली इतिहास पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा इतिहास, ये केंद्र पूरा भारत में रहा है इस तरह का, क्यों जिस समय वो लड़ते हुए चले गए युद्ध भूमि से अपने नीले घोड़े पर बैठकर वो लड़ते हुए चले गए बिना शीश के, तो किसी पर नहीं थे, तो उनकी रानी ने जब वो महल में पधारे तो उनकी रानी ने उन पर गंगा जल छिड़का, उनका धर शांत किया, उसके साथ सती हो गई। तो ये हमारा इतिहास है, हम किस ओर जा रहे हैं,
तो यहाँ पर बैठे अगर 10 भाई भी इस बात से जागृत हो जाए यार, उनके फोन में कहीं हलचल हो जाए रस्सी भी, तो भाई समझो आप में क्षत्रिय रखते हैं, वर्ण रख के शुद्धता का और क्षत्रिय कहने का राजपूत कहने का आपको कोई हक नहीं है। ताली पिटो, घर जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, एक अति फोटो यहाँ पे ले लेना, पुष्प अर्पित करते हुए और डाल देना शाम को फेसबुक पे कि भाई हमने तो यहाँ पे पुष्प अर्पित, मेरे बहुत जी के सामने पुष्प अर्पित करे, अपना काम होगा जी। आने वाली पीढ़ी को कौन देखेगा? आने वाली पीढ़ी आप इन्हें समझो, आपका कुछ नहीं है, आने वाली पीढ़ी बुढ़ापे में आपको धक्का दे दिया कि घर से बाहर जा भाई। तो आप उस समय सोचोगे जो आप आजकल ये बड़े बुजुर्गों को दरकर से धक्का दे रहे हैं ना, वो लाड़ प्यार की दे रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि वो सोचते हैं अब कि अगर यार उस समय हमने इन्हें संस्कार दे दिए होते तो आज सही काम हो जाता, आज हम भी घर में होते। तो अब अपने इतिहास को जानो, बजानो, चरित्रवान बनो, अपना प्रभाव डालो समाज पे। तो सभी भाइयों से ना ज्यादा लंबा भाषण होगा, इधर से सारा भी मुझे मिल गया है, इतना तो खैर मेरा भी विवेक है। तो बस अपनी कविता छोटी सी, दो पंक्तियां हैं भाई कविता की अपनी लिखी, मैं कवि हूँ और रुद्राक्ष मेरा उपनाम है। तो आप सभी से दो पंक्तियां हैं मेरी और आप सभी से आग्रह करूंगा, बड़े बुजुर्ग से भी आग्रह करूंगा कि दो पंक्तियां हैं भाई, थोड़ा समय दे दो, आपसे थोड़ा समय मांगता हूँ। अगर भाई आपकी इच्छा है तो एक बार हाथ उठा के कह दो, हाँ इच्छा है सुनने की। ये मेरी बहुत बड़ी कविता का एक छोटा सा भाग है, तो आप सोचोगे एक किसी बोला तो बहुत बड़ी कविता है भाई, याद नहीं होती जल्दी से, वो लॉकडाउन में लिखी गई कविता है ये जी। तो सबसे पहले दो पंक्ति, एक हमारे कवि जी हैं उन्होंने दो पंक्ति मुझे स्मरण भेजी है मेरे भोज जी के ऊपर कि था भारत का जब स्वर्ण काल। सही भाइयों का ताली से वो चाहूंगा कि था भारत का जब स्वर्ण का पीर भोज भी शासक था और सब धर्म थे, सब धर्मों का मान रखा ऊंचा हिंदू सिंहासन था, कि सब धर्मों का मान रखा ऊंचा हिंदू सिंहासन था, जिसके प्रहार से दुश्मन भी पड़ जाता था दो खंडों में, और तलवार बिजली सी चमक उड़ती थी जिसके विशाल भुजदंडों में, और तलवार बिजली सी चमक उड़ती थी जिसके विशाल भुजदंडों में। भाई स्वस्थ करादावास पीछे तक सजा रही गया नहीं, फिर तो बढ़िया। तो अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ और ये कविता लॉकडाउन में मैंने लिखी गई है कि करो कल्पना उस दौर की, समझने का प्रयास करें, जितने बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं भाई समझने का प्रयास करें, थोड़ा हार्ड लिखता हूँ मैं थोड़ा अपना। तो करो कल्पना उस दौर की जब वीरों के रुण लड़ते थे, रुण मतलब धड़, कि करो कल्पना उस दौर की जब वीरों के रुण लड़ते थे और कटे मुंड मने छुके कुल देवियों पर चढ़ते थे। मतलब कि जब अरब से आती तीर तलवारों को हमने अपनी छाती पर झेला और क्षत्रिय राजपूत धर्म कवच बनकर आगे अड़े, सीमा पर अड़े, तब जाके उनके जो हमने अपनी तलवारों से छीन बीन उनका जो मस्तक धड़ कर दिया, वो हमने कुल देवी को किस तरह अर्पित किया। कि करो कल्पना, कि करो कल्पना उस दौर की जब वीरों के रुंड लड़ते थे और कटे मुंड वाले छोके कुल देवियों पर चढ़ते थे, रक्त चाट चामुंडा की प्यास बुझती थी और साथ रही समर भूमि में वही विजय मंत्र पढ़ती थी। कहते हैं माँ भवानी का क्षत्रियों में जब तक तलवारों में वास रहा तब तक जा रहे हो, कि और कटे मुंड वाले चौके कुल देवियों पर चढ़ते थे, रक्त चाट चामुंडा की प्यास बुझती थी, साथ रही समर भूमि में वही विजय मंत्र पढ़ती थी, जगदम्बे स्वरूप देवी का जब तक क्षत्रियों में अस्तक रहा, एक हाथ में तलवार और एक हथेली पर मस्तक रहा, एक हाथ में तलवार और एक हथेली पर मस्तक रहा। तो ये थे हम उसके हाल कि क्यों तू मजबूर है और क्यों भूल रहा अपने पद को, अखंड है तू प्रचंड भेद डाल बस लक्ष्य को, कि अखंड है तू प्रचंड भेद डाल बस लक्ष्य को, मजबूर मत हो कि हम किसान है गरीब वर्ग साथ है, संस्कार करिए देखते कोई गरीब है अमीर है संस्कार एक समान होते। कि क्यों भूल गया, कि क्यों भूल गया इसी दौर में, कि क्यों भूल गया इसी दौर में पृथ्वी सिंह ने शेर के जबड़े उखाड़े थे और इसी धरा से चूंडावत ने छाती से किले के फाटक फाड़े थे, और इसी दौर में चूंडावत ने छाती से किले के फाटक फाड़े थे, इसी धरा के रणमंच पर आलाउदल, अगली पंक्ति आलाउदल के ऊपर आपने सभी सुने होगा आलाउदल, कि सबसे बड़े लड़ैया महुआ वाले इनकी मार सही ना जाए, और एक तो मारे दुई मर जाए, तीजा खोप खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लुका वो ऊपर रोक लियो लटकाए। इसी धरा के रण मंच पर आलाउदल मत वाले थे और रक्षोनित हो हुंकार मचा भूतल पाटने वाले थे, और रक्षोनित हो हुंकार मचा भूतल पाटने वाले थे, यही धरा है, यही धरा है राणा खुंबा, यही धरा है जहां काल भोज की बुझाए डोली है और बोली हर हर महादेव की पप्पा की टोली बोली है, और बोली हर हर महादेव की पप्पा की टोली बोली है।
कि 80 गांवों पर 20 सांगा, आपने बताया कि 80 गांव लगे थे राणा सांगा को, कि 80 गांवों पर 20 सांगा कहां टोलने वाला था, याद करो आप किनके संतान बैठी है यहाँ पे, कि 80 गांवों पर 20 सांगा कहां टोलने वाला था, और जय जयकार चित्तौड़ दुर्ग की पूरा विश्व बोलने वाला था, और जय जयकार चित्तौड़ दुर्ग की पूरा विश्व बोलने वाला था। और अंत में मैं समाप्त कर दो अपनी दो पंक्तियां उन देश के गद्दारों और जो छत्री विरोधी ये कहते हैं ना कि छत्रियों ने क्या किया, उनके लिए समर्पित करता हूं अपनी लिखी दो पंक्तियां, कि जब जब पूछोगे इतिहास, कि जब जब पूछोगे सवाल सोने के इतिहासों की घाटी से, कि जब जब पूछोगे सवाल सोने के इतिहासों की घाटी से, छत्रियों का रक्त मिला है जरा में ये उत्तर मिलेगा भारत माँ की माटी से, कि छत्रियों का रक्त मिला है जरा में ये उत्तर मिलेगा भारत माँ की माटी से। आप सभी का स्नेह पूर्वक सादर आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का तो अवसर प्राप्त किया, और यहाँ पर कुलवीर राणा जी जो अध्यक्ष करनी से उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अपने चाचा श्री दुष्यंत जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बड़े बुजुर्ग का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और सही भाई इस बात को समझिए और अपने आने वाली पीढ़ी को चरित्रवान बनाए, और बस खत्म करता हूँ बात को, जय श्री राम। धन्यवाद कवि जी, इसके बाद में